हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के साइलेंस के बारे में। आई मीन ये रीडिंग इस बारे में है कि आपका पर्सन आखिर चुप क्यों है और इनके इस तरह से बिहेव करने की वजह क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है या इनकी सिचुएशन क्या है जो ये इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Tower. Seven of Swords. Page of Swords. And Ten of Swords. Okay. आपका पर्सन चुप तो है मगर एक्टिव है भाई, मतलब पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके एंड ये पर्सन ये जानना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन टेन ऑफ सोर्ड्स से गुजर रहा है। ये पर्सन बहुत तकलीफ में है। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग ये रीडिंग एक एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि काफी बिटर आर्ग्यूमेंट के बाद कहीं चला गया है या आपसे दूर है। तो बात यह है कि ये पर्सन अभी भी संभल नहीं पाया। जो शॉक इन्हें लगा है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ये दुनिया को फेस करने के लिए रेडी नहीं है और आपको तो बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि आपके सामने आने से या आपसे बात होने से वो एकदम से कुछ बोल देंगे या कह सकते हैं कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जाहिर हो जाएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन रोने लग जाए या कुछ और ऐसा हो जाए जो ये नहीं चाहते कि आप देखें एंड इसलिए पर्सन साइलेंट है। ओके, इन्हें लग रहा है कि इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कुछ भी कहेंगे तो अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देंगे जो ये करना नहीं चाहते। ये पर्सन उन लोगों में से है जो अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करता रहता है, यानी छुपाता रहता है तब तक जब तक कि ज़रूरी ना हो एक्सप्रेस करना, और यही वो फिर से कर रहे हैं। शायद इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है जहां इन्हें ये समझाया गया है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना या बताना किसी तरीके की वीकनेस की निशानी है, कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते और इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो सारी बातें हैं ये एक साथ मिलके इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही हैं। ये डिप्रेशन में है और इनका मन ही नहीं करता कि ये आजकल दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और किसी से ज़्यादा बातें करें। आजकल ये दूसरों से कटे कटे ही रहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि इन्हें आप याद ना आए या आपसे दूर जा सके। मूव ऑन करने की कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हील कर सकें, इन सोर्ट्स से छुटकारा पा सकें, पर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्ट्स के साथ बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब इन्होंने ये सोचा है कि वो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं देखेंगे या किसी से भी आपके बारे में बात नहीं करेंगे, किसी से भी आपके बारे में पूछेंगे नहीं, अगर हर बार वो खुद से किया हुआ ये प्रॉमिस तोड़ देते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए और फिर अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं और और ज़्यादा डिप्रेशन को फील करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन चाहे कोशिश कुछ भी कर रहा हो, इन्हें पता है कि
का जो हार्ट है वो आपके पास है, और इन्हें अगर कुछ चाहिए या कुछ करना है तो पहले अपने फ्यूचर को इमेजिन करना पड़ेगा आपके बिना. ओके, उसके लिए पर्सन रेडी नहीं है. आगे बढ़ने का मतलब है कि इन्हें इस बात के लिए खुद को कन्विंस करना होगा कि इनके फ्यूचर में आप नहीं होंगे, और वो इमेजिन करना इनके बस की बात नहीं है इस पॉइंट पे. टावर के मूवमेंट के साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप नहीं जानते. इस पर्सन को बहुत कुछ सुनना भी पड़ रहा हो सकता है अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि क्लियरली टावर मूवमेंट के साथ ये पर्सन दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है और कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो ठीक है और उन्हें कोई चीज़ हर्ट नहीं कर रही, वो फाइन है और मूव ऑन कर जाएंगे. पर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये अपने आसपास के लोगों को कुछ समय के लिए खुश करना चाहते हैं. बहुत सारे स्वॉर्ड्स आपकी रीडिंग में, आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है. एंड एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Eight of Pentacles. Ace of Cups. Five of Cups. Strength. तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनके लाइफ में कुछ फाइनेंसिस को लेके भी दिक्कत चल रही हो सकती है. एंड ये पर्सन वर्क पे भी कुछ ज़्यादा फोकस्ड है और अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, और इन्हें अफसोस भी है अपने किए का. फाइव ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ जेन्युइन गंवा दिया है, कुछ ऐसा गंवा दिया है जो शायद उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता. इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो उन्हें करनी चाहिए थी. वो स्ट्रांग नहीं है इस पॉइंट पे, इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है. ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ही स्ट्रांग रहें. डेफिनेटली हमारे इमोशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और अपने आप को बैलेंस रखना मुश्किल होता है. पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका स्ट्रांग नहीं होना कोई ऐसी बात है जो उन्हें आपसे छुपाने की ज़रूरत है, या वो अपना वीक साइड आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो आपकी नज़र में अपनी वैल्यू गंवा देंगे, अपनी इम्पोर्टेंस गंवा देंगे. बहुत अजीब सी सिचुएशन में है ये पर्सन. एस ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप कोई जोक नहीं है और आप उन्हें बहुत मुश्किलों से मिले हैं. ओके, एंड इन्हें आपका वर्थ पता है, तो ये पर्सन गिव अप तो इतनी आसानी से नहीं करने वाला. भले ही टेन ऑफ सॉर्ड्स है, भले ही सिचुएशन कितनी भी एडवर्स है, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये पर्सन वापस हिम्मत जुटा रहा है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की, और ये करेंगे भी ऐसा ही. चलिए देखते हैं आपके लिए और ऐसे मैसेज क्या है. Archangel Michael, trust in heaven. You are safe. Angels, stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो Archangel Michael आपसे कह रहे हैं कि आप safe हैं. Angels आपके आसपास खड़े हैं. आपको अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और यूनिवर्स को अपना miracle दिखाने का स्पेस देना चाहिए. ओके, तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के साइलेंस के बारे में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.